हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक नई प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर आया हूं। अभी हम लोग हैं हल्द्वानी से, जो देहरादून एनएच है उस रोड पर हम लोग जा रहे हैं। उसी में आगे हल्द्वानी के बाद नेक्स्ट जो स्टेशन आता है चकलवा, वहीं पर आज की यह प्रॉपर्टी रहने वाली है। दोस्तों काफ़ी शानदार यह प्रॉपर्टी है, जो कि एक कॉमर्शियल प्रॉपर्टी हम इसको कह सकते हैं। लिंक रोड से लगी हुई और मेन रोड से काफ़ी नज़दीक, एकदम वॉकिंग डिस्टेंस की यह प्रॉपर्टी है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल सार्थक डील्स। जैसा कि आप जानते हैं, मैं यहां पर आपके लिए प्रॉपर्टी से रिलेटेड नए नए रिव्यूज लेकर आता रहता हूं। आज भी मैं आपके लिए एक काफ़ी शानदार एक प्रॉपर्टी का रिव्यू लेकर आया हूं। यह चकलवा के पास यह प्रॉपर्टी है, जो कि मेन रोड से काफ़ी नज़दीक और वॉकिंग डिस्टेंस की एक सेमी कमर्शियल यह प्रॉपर्टी है। दोस्तों आप सब में से जो कोई भी इस चैनल को आज पहली बार देख रहे हैं, वो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइए, जिससे कि आने वाले सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे। दोस्तों जैसा कि आप देख रहे हैं, अभी हम लोग चकलवा की तरफ जा रहे हैं और बीच का यह आप देख रहे हैं पूरा एक जो फॉरेस्ट का एरिया है, लगभग 5 से 7 किलोमीटर का यह फॉरेस्ट एरिया रहेगा। इसके बाद ही जो नेक्स्ट स्टेशन आएगा वही चकलवा यह जगह है। दोस्तों काफ़ी अच्छी है जगह है, जो कि गवर्नमेंट की तरफ से एक इंडस्ट्रियल एरिया इसको घोषित किया गया है, जो कोटाबाग ब्लॉक के अंदर का है एरिया है। इसलिए यहाँ पर आप देखेंगे छोटी छोटी कई इंडस्ट्रियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, जो कि सभी एक नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्रियाँ हैं, पॉल्यूशन वाली इंडस्ट्रियाँ नहीं है। नॉन पॉल्यूशन इंडस्ट्री के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी भी दी जाती है। जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे, वो जो वाटर पैकेजिंग की प्लांट है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, फ्लोर मिल आपको देखने को मिलेंगी, नमकीन की फैक्ट्री यहाँ पर देखने को मिलेंगी, पोल्ट्री फार्म्स और हैचरीज और डेयरी फार्म्स, इस तरह के काफी इंडस्ट्रियां और जो छोटे छोटे बिजनेस उद्योग आप कह सकते हैं, वो यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। दोस्तों आज की प्रॉपर्टी चकलवा और कालाडूंगी से काफी नजदीक यह प्रॉपर्टी है, और मेन रोड से अगर हम लोग बात करेंगे उससे भी काफी नजदीक आज की यह प्रॉपर्टी रहेगी। तो दोस्तों आप ज्यादा देर न करते हुए चलते हैं सीधे प्रॉपर्टी में और करते हैं उसका रिव्यू। दोस्तों आ गए हम लोग प्लॉट में और यह आप प्लॉट देख रहे हैं, सामने जो वॉल है वहां से मेरे बराबर के पास जो ये वॉल है यहां तक का यह पूरा प्लॉट रहेगा। दोस्तों अब बात कर लेते हैं प्लॉट के फ्रंट की। तो जो इसका फ्रंट रहेगा, लगभग 90 फीट का इसका आपका फ्रंट रहेगा, और साथ ही अगर मैं डेप्थ की बात करूं तो लगभग 76 फीट का इसमें आपका डेप्थ रहेगा। और अगर टोटल एरिया की मैं बात करूं, एक बीघा का यह प्लॉट है, लगभग 6800 स्क्वायर फीट के आसपास जो आपका है प्लॉट का साइज रहेगा। प्लॉट के फेस की अगर मैं बात करूं, ईस्ट फेसिंग का यह फेस रहेगा। और आगे से आप यह देख रहे हैं इसके फ्रंट में, इसी लिंक रोड से लगी हुई यह प्रॉपर्टी रहेगी। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं पूरा जो यह एक सेमी कमर्शियल यह प्लॉट है, और आप देख रहे हैं आगे से काफ़ी यह चौड़ी रोड है, इस जो कि आपका सीधा मेन रोड के पास यह निकलेगा, वहां से भी यह महज आपका 500 से 700 मीटर का डिस्टेंस इस प्लॉट का रहेगा। दोस्तों यह सामने आप जो मैं नीचे को रोड दिखाऊँ, यह आपका सीधा आगे गाँव की तरफ रोड जाएगी। जैसा कि आप देख रहे हैं अभी काफ़ी अच्छी यहाँ पर लीची लगी हुई है, तो इसमें आपके कुछ लगभग 8 से 9 पेड़ आपको इसमें लीची के भी मिल जाएंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छा यह प्लॉट है, जो कि एकदम स्क्वायर शेप का यह प्लॉट है, सेमी कमर्शियल प्लॉट भी है हो सकता है, और साथ ही अगर आप अपना इसमें फार्म हाउस वगैरह कुछ बनाना चाहें तो वह भी इसमें आप बना सकते हैं। और जैसा कि मैं प्लॉट के पीछे की तरफ अभी जा रहे हैं और वहां से भी मैं इसका पूरा व्यू आपको आगे की फ्रंट की तरफ करवाऊँगा। यह देखिए, ये जो सामने की तरफ फ्रंट की तरफ कुछ इस तरह से इसका व्यू रहेगा। और जैसा कि आप इसके देख रहे हैं, आसपास में प्रॉपर यहाँ पर मकान बने हुए हैं, मेन रोड से नज़दीक यह प्रॉपर्टी है, तो अगर आप चाहें तो इसमें आप मकान भी यहाँ पर बना सकते हैं, अपना फार्म हाउस यहाँ पर बना सकते हैं। आगे से जैसा कि आपने देखा कि लिंक रोड से लगी हुई यह प्रॉपर्टी है, तो आगे से आप इसमें शॉप और दुकानें वगैरह भी इसमें आप जो है आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि बिजली और पानी मैं आपको बताऊं, आपको यहां पर प्लॉट में लाइन आगे से ही पड़ी हुई है, बिजली भी प्लॉट के आगे से जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर है। दोस्तों काफ़ी अच्छी है हल्द्वानी के नज़दीक, मेन रोड से नज़दीक काफ़ी अच्छी है प्रॉपर्टी रहेगी। दोस्तों आप बात कर लेते हैं जो डेली नीड्स की हमारी रिक्वायरमेंट रहती हैं, वो तो लगभग आपका 100 से 150 मीटर के डिस्टेंस में वो सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। और जैसे कि हम लोग बात करें मेन रोड से पब्लिक ट्रांसपोर्ट की अगर हम लोग बात करें, तो लगभग 500 से 700 मीटर का आपका डिस्टेंस रहेगा। वहीं अगर हम लोग बात कर लेते हैं हॉस्पिटल क्लिनिक की अगर हम लोग बात करें, तो जो कालाडूंगी मार्केट है वो इसके नियर बाई है, जो लगभग यहाँ से 2 से 2.5 किलोमीटर डिस्टेंस रहेगा, वहाँ पर आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। आप बात कर लेते हैं स्कूल और कॉलेज की अगर हम लोग बात करें, लगभग आपका जो 1.5 से 2 किलोमीटर के डिस्टेंस में वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगी।
अब बात कर लेते हैं हल्द्वानी से डिस्टेंस की। अगर हम लोग बात करें तो लगभग 22 से 24 किलोमीटर का डिस्टेंस हल्द्वानी से इस प्रॉपर्टी का रहेगा। जैसे कि हम लोग लामाचौड़ तक अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से लगभग 8 से 10 किलोमीटर का डिस्टेंस इस प्रॉपर्टी का रहेगा। दोस्तों जैसे कि आप आसपास लोकेशन आप देख रहे हैं, सामने काफ़ी मकान भी यहाँ पर मिलेंगे और काफ़ी बड़े बड़े आम और लीची के बगीचे भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। दोस्तों काफ़ी अच्छी है प्रॉपर्टी है। बाकी आपको अगर यह पसंद आती है तो आप आसानी से यहाँ पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों रिव्यू तो पूरा हो चुका, कैसी रही है प्रॉपर्टी जरूर बताइएगा। दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि मेन रोड से काफ़ी नज़दीक की है प्रॉपर्टी है और काफ़ी शानदार लोकेशन के साथ में और सेमी कॉमर्शियल पर्पज की है प्रॉपर्टी है। दोस्तों बाकी डिटेल तो आप प्रॉपर्टी में देख ही चुके हैं, अब बात कर लेते हैं इसके प्राइस की। इसका प्राइस रखा गया है 1450 रुपये पर स्क्वायर फीट जो कि नेगोशिएबल है। दोस्तों आपको इसके अलावा कुछ भी डिटेल चाहिए तो आप स्क्रीन पर सोहरे नंबर पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर सारा डिटेल ले सकते हैं। धन्यवाद।